कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे वो धीरे धीरे करके आज कांग्रेस को लात मार के चलते नजर आ रहे हैं। पहले विनोद शर्मा ने लात मारी, उसके बाद में राव इंद्रजीत ने मारी, दूसरे तमाम सारे लोगों ने, कौशिक ने मारी और लोगों ने मारी, धर्मवीर ने मारी, इसके बाद में अब चौधरी वीरेंद्र सिंह मार रहे हैं। तो कमोबेश स्थिति ये है कि कुछ लात मार रहे हैं और कुछ मारने को तैयार है। तो जो गड्ढे में कांग्रेस जा रही थी वहां कुछ और पहले पहुंची जा रही है। इसकी वजह है कि आज वो जान रहे हैं कांग्रेस में रह करके ना तो इंसाफ मिल सकता है, ना वो जीत सकते हैं, ना पब्लिक उनके झूठे वायदों और झूठे नंबर वन पर यकीन कर सकती है। लेकिन अजय जी तो फिर अशोक अरोड़ा जी क्यों ये कह रहे हैं, तो इसका अजय जी फिर अशोक अरोड़ा जी क्यों ये कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि हम हरियाणा नंबर वन बना के रहेंगे, हम हैट्रिक लगाएंगे, हम इसी नारे को आगे बढ़ाएंगे। इतनी विवादित चीज के साथ संकल्प करने की क्या आवश्यकता है राजीव? इसके अलावा इनके पास कहने को बचा क्या है? आप एक चीज देख लिए, जब वो जमीनी हकीकत पे जाते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी काले झंडे दिखाए जाते हैं। जिस मुख्यमंत्री को यदि इतना ही लोकप्रिय है तो उसको अपने राज्य में अपने लोग, अपने पार्टी के लोग काले झंडे दिखा दे तो इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। अशोक अरोड़ा जी को जवाब देना चाहेंगे सर, ये है स्थिति, बिगड़ चुके हैं उनमें अब झूठ बोलने के अलावा कुछ जरूर नहीं। जरूर अशोक अरोड़ा जी बहुत संक्षेप में ये है स्थिति आपके सामने, आपके नंबर वन हरियाणा का ये सच है। हाँ बहुत बिल्कुल 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 संक्षेप में जवाब दूंगा जी। एक तो ये कि कभी भी बेगुनाह आदमी जेल में नहीं जाता, जो गुनाहगार होता है वो जेल की सलाखों के पीछे जाता है। और दूसरी बात ये कि ये बात आपके समझ में नहीं, आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? कांग्रेस जेल जाने न जाने की बात आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? कानून व्यवस्था तो प्रदेश का मसला है। उन्होंने बोला ना कि उन्होंने बोला, हमारे संपादक जी ने बोला कि लोग जेलों में ठोसे जाते हैं, उन्होंने बोला जेलों में ठोसे जाते हैं। तो मैंने ये कहा कि कभी भी बेगुनाह व्यक्ति जेलों में नहीं ठोसे जाते, हमेशा जेलों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए गुनाहगारों को जेलों में भेजा जाता है। एक नंबर तो ये ठीक है। दूसरा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का एक एक मिसाल है कि हमारे फरीदाबाद में एक बच्चे का किडनैपिंग हुई और मात्र 32 घंटे में उस बच्चों को बरामद करके उस परिवार को सौंप दिया गया। बच्चा कौन था आपको मालूम होना चाहिए, आप ऐसे मत बोलिए। अरोड़ा जी और नहीं भी आप ये दावा कर रहे हैं, अभी जीवन भारद्वाज जी ने कहा कि प्रदेश रेप प्रदेश के नाम से कुख्यात होने लगा है। अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर जितनी बलात्कार की खबरें आती हैं हरियाणा में, क्या इन खबरों से आप लोगों को भी चिंता होती है? आप एक उदाहरण दे रहे हैं लेकिन उन खबरों की तरफ आप नहीं देखते। मुझे 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 पूरे देश मुझे पूरे मुरे नहीं नहीं मेरी मेरी बात सुनिए, मुझे पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश दिखा दो जहां ये घटनाएं ना घटती हूं। मैंने आपको बोला है कि सर फिरे को जेल के पीछे भेज दिया जाता है, अगर क्राइम होता है तो क्राइमल को जेल के पीछे भेज दिया जाता है। हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। कैसे आप सिर्फ जेल में भेज कर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं? उसको हमने आजाद छोड़ दिया है। आप केवल जेल में भेज कर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं, उसको गार्डन में कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है कि आपके प्रदेश में बलात्कार की घटना है, गार्डन में घूमने के लिए नहीं छोड़ते। बिल्कुल इन्हें मालूम नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात का जवाब देना चाहता हूँ। प्रदेश में ऐसी घटना ना घटे, अगर शर्मनाक हो। अरोड़ा जी बहुत सीधे व्यक्ति हैं, फरीदाबाद से आते हैं, मैं मान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो फरीदाबाद से लोग आते हैं वो सीधे होते हैं। कितनी बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मुझे मालूम है ये कितनी बात का जवाब दे सकते हैं और कितना इनको पता है कांग्रेस पार्टी के बारे में। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर ये नेशनल रिकॉर्ड जो क्राइम रिकॉर्ड का अगर रिकॉर्ड निकाल के रिकॉर्ड निकाल वही देख लें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर
जो रिटर्न कंप्लेंट आई है, लेकिन वो कह रहे हैं हम सलाखों के पीछे भेज देते हैं, हम उन्हें गार्डन में घूमने के लिए नहीं छोड़ते। वो ऐसा सरकार लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखे हुए है, वो रेफरेंस फिर किसी भी प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जैसा बयान दे दिया अशोक अरोड़ा जी ने। नहीं, वो कहते हैं उनका ठीक है उनका कहना, क्योंकि उनको मालूम है कि हरियाणा प्रदेश में क्या हो रहा है और वो फरीदाबाद तक सीमित है, फरीदाबाद में लिमिटेड बेड तक सीमित है ये, उसके अलावा इनको नहीं मालूम है। तो लेकिन मैं अरोड़ा जी का सम्मान करता हूँ, जितनी देर तक वो डिफेंड कर सकते थे अपनी तरीके से वो कांग्रेस को डिफेंड कर गए, लेकिन हकीकत से परे हैं और एक लिमिटेड दायरे में एक विसिनिटी में रहते हैं। तो मैं आज इनसे इसलिए भी बहस नहीं करना चाहता क्योंकि इनके अपने पास कोई ना कोई आंकड़े हैं ना कोई ऐसा ऐसी बात है जिस बात को रख के ये बात कर पाए। तो मैं सिर्फ अशोक अरोड़ा जी को यही बोलूंगा कि जो बातें अभी सबने बोली हैं उसे वो एडमिट कर ले क्योंकि आपके पास उनके कोई जवाब नहीं है। चलिए, लेकिन लेकिन जेटली साहब आप एक बात का जवाब दीजिए, वो ठीक है उन्होंने कैसा बोला क्या बोला, आपकी पार्टी क्यों नेता छोड़ रहे हैं, क्यों अब लोग इनेलो का चश्मा उतारकर दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे विधायक हैं पूर्व विधायक हैं और क्या जितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो सब के सब स्वार्थी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, हर राजनीतिक दल में परिस्थितियों के हिसाब से पैनल बनते हैं और वो पैनल ये डिसाइड करते हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति किस तरीके की है, लोगों की सोच किस तरीके की है और लोग चाहते क्या हैं। उसके उस पैनल में इन सब बातों को लेकर डिस्कस होता है और जो लोग जैसा व्यक्ति चाहते हैं वैसा उम्मीदवार उनको दिया जाता है। ऐसे में कई बार वो व्यक्ति जो कतार में होते हैं वो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठ पाते हैं, उस कारण उनकी टिकट कई बार कट जाती है या वो मिलने से वो वंचित रह जाते हैं। इससे नुकसान होगा। तो इससे मैं आपको दूसरी बात बोलता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अगर आप इतिहास उठाकर देखें इतिहास, तो हर राजनीतिक दल को इंडियन नेशनल लोकदल ने नेता बनाकर दिए हैं। हर राजनीतिक दल में आप किसी भी दल की बात कीजिए, हमारे दल से निकल कर गए हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जनता के साथ होती है, जनता का मैंडेट इंडियन नेशनल लोकदल को मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता है। उसके बीच में हमारे जो व्यक्ति होते हैं जो पार्टी का समर्थन जनता से लेते हैं और विधायक या सांसद चुनकर आते हैं, कई बार उन्हें ये गलत फहमी हो जाती है कि हम इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि जनता अब हमारे को अपना पूरा समर्थन देगी। ठीक बात है। ये गलत फहमी पाल के कई बार वो स्वार्थी शब्द में ना कहकर ना बंद पार्टी में कोई नेता गलत फहमी न पाले, एक तो नहीं गलत फहमी का मतलब अगर वो सांसद विधायक बन गया है आप अगर इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास उठाकर देखें तो क्योंकि जनता का मैंडेट इनेलो को मिलना था उस वक्त पे ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हमने चुनाव लड़वाया जिन लोगों ने आज तक चुनाव दफ्तर नहीं देखे थे, जो कभी भी एक व्यक्ति से भी नहीं मिले थे नीचे जाके, सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल के रिप्रेजेंटेटिव। क्यों लड़वाया फिर रिप्रेजेंटेटिव, चुनाव मतलब आपकी भाषा क्या ये बता रही है कि आपने उन पर एहसान किया? देखिए ऐसे लोगों को आपने चुनाव लड़वा दिया जिसमें कुछ जीते कुछ हारे होंगे, जो कभी चुनाव दफ्तर नहीं देख पाए थे, बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? आपको मेरी बात सुनेंगे तो आपको मेरी बात जरूर समझ में, जो भाव निकल रहा है वो क्या? आप मेरी बात को सुनिए, अगर हमने जिन लोगों को, मैंने दोबारा से सबसे पहले पीछे चले जाता हूं अगर आप मेरी बात को सुनने से मिस कर गए हो, मैंने आपको बताया हमने नेता बनाए हैं, कोई भी राजनीतिक दल सुनिए सुनिए हम नेता इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम डेपुटेशन पे भी नहीं लेते हैं, हमने नेता बनाए हैं। असल में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस सोच का नतीजा है, अवतार सिंह भड़ाना सुनिए आ रहे हैं टॉप टू बॉटम सब स्वागत में बयान दे रहे हैं, वो इंपोर्ट करना है या नहीं मैं आपको दोबारा बोल अगर आपको ज्ञान हो तो आपको पीछे पता होना चाहिए। नहीं नहीं अवतार सिंह भड़ाना का आप ज्ञान हो करने के लिए तैयार है या नहीं? तो सही है, ये जो दावा आप सुनिए सही कि हमने नेता बनाया है। राजीव जी आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे लेंगे? अवतार सिंह भड़ाना जी भी वो व्यक्ति हैं जिन्हें बिना चुनाव के हमने मंत्री बनाया था। मैं दोबारा से आता हूँ, आप एक भी नाम लीजिए मेरे सामने, मैं उसका डिफाइन कर दूंगा कि वो हमारी ही क्रिएशन थी।